चोर ने किया 50,000 की हाथ सफाई। मामला किरनापुर थाने का। किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरगांव निवासी गुलाब पाचे के द्वारा बताया गया कि दिनांक 25/7/2024 को अपने ससुराल ग्राम चौदह टोला लांजी गए हुए थे। इसी बीच 25 तारीख को उनके सुने मकान में चोरी हुई, जिसकी लिखित शिकायत किरनापुर थाने में की गई, किंतु पुलिस वाले के द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा मीडिया के माध्यम से उचित न्याय की मांग की है। हेमराज सिंह बनाफरे की रिपोर्ट। क्या नाम लिखते? लक्ष्य पाचे। कौन गाँव रहते? बोरगांव। कौन सी पढ़ते? सिक्स्थ क्लास। कौन से विद्यालय में? अल्फा पब्लिक स्कूल वानेगांव। कल आपके यहाँ जो घटना हुई इसके बारे में क्या जानते हो? मैं अपने गांव गया था चौंडा टोला पर लगाने, फिर मैं घर आया, दरवाजा खोला और छोटे तरफ पानी पीने गया तो ऊपर से आवाज आई। हमारे घर के साइड वाले लीलाधर इनायत क्या उतर रहे थे पेड़ से, तो मैंने मकान के ऊपर से, फिर मैंने बोला उनको क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बोले। फिर वापस अपने घर गए भगते भगते, फिर वहाँ से घर से वापस आए मेरे घर में और बोले अपने पापा को बताना मत। क्या मत बताना? कि मैं यहाँ पे आया था और क्या क्या कर रहा हूँ। क्या नाम लिखते हो? गुलाब पाचे। कौन गाँव रहते हो? बोरगांव। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग घर में कोई नहीं थे, कल दिन भर सब चले गए थे ससुराल। हाँ हाँ। कौन गांव? चौंदा टोला। जी हाँ जी। तो फिर क्या है, बच्चों को पहले भिजवा दिया मैंने और मैं आया थोड़ा गुरुवार बाजार था कल, तो बाजार में सामान लेने रह गया पीछे। फिर आया तो बच्चों ने बताया कि एक व्यक्ति यहाँ से पैरी पे से चढ़कर ऊपर से झाड़ के ऊपर से मकान पे चढ़कर उतर के भाग गया, जैसा चढ़ा था वैसा ही उतर के भाग गया घर को और घर से वापस आया। और क्या नाम था उस व्यक्ति का जो भागा? जो भागा वो व्यक्ति का नाम था लीलाधर रिनायत। रिनायत रिनायत। तो घर पे आया बच्चों के पास में और बच्चों को बोला कि अपने मम्मी पापा को मत बताना। क्या मत बताना? कि लीलाधर यहाँ से कुछ लेके गया है करके। तो फिर बच्चों, फिर मैं आया तो फिर देखा कि तिजोरी को, तो वो बोले वहाँ से पैसे पूरे गायब थे 50,000। कहाँ से? आपके अलमारी से? अलमारी से, संदूक से। उसको पहले चेक किया तो पैसे पूरे गायब। कितने पैसे रखे थे आप? 50,000 रखा था मैं गाड़ी की किस्त बटाने के लिए। अगस्त में क्या हुआ? अगस्त में किस्त है। उसके बाद में 100 नंबर को फोन लगाया कि मेरे साथ बहुत तकलीफ हो गई करके। तो 100 नंबर ने बाद में वापस रिटर्न फोन किए कि हम अभी जरा अर्जेंट कोई काम में फंसे हुए हैं, आप FIR जर्जा कर दो थाने में आके। कर थाने में आ जाओ करके बोले? थाने में आ जाओ और शिकायत कर दो। फिर आप थाने गए? फिर मैं थाना गया 5-6 बजे। और 7 बजे थाने में रिपोर्ट लिखाया और उनको मंगा। रिपोर्ट मैंने लिखा है कि आवेदन दिए थे आप? आवेदन दिया नहीं, रिपोर्ट ही लिखाया था वहाँ पे उन्होंने लिखे। तो उसकी पावती मिली कि नहीं आपको? उसकी पावती नहीं मिली। उन्होंने बोल दिए कि पावती दो, बोला मैंने। आपने किनको बोले? गवर्नर जी को? गवर्नर जी को बोला कि पावती दे दो मेरे को। तो उन्होंने बोले कि बोले आपके यहाँ जांच करने आएंगे मौके की, जब ही आपको वहीं पावती दे देंगे जी। और उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं, वापस आ गए। वापस आ गए, मैं वापस आ गया घर को। फिर तो फिर वो कल की बात हो गई थी, आज की बात। आज की बात में वो आए तो देख किए उधर संदूक अलमारी को भी देखे, उस तरफ चढ़ के देखे, इस तरफ झाड़ पेड़ को देखे और उसके बाद में बोले कि मैंने बोला कि उनको बच्चे का ब्याह नहीं ले लो, स्कूल पढ़ने वाला बच्चा किरनापुर नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने बोला कि बोले किरनापुर बच्चे को लेके आना। क्यों? ब्याह देने? ब्याह देने। तो मैंने बोला कि वो पढ़ने वाला बच्चा है, घबराता है, वो नहीं आ सकता है। तो पुलिस वाले थोड़ा सा दबाव डाल रहे थे बाकी। कि तुमको आना पड़ेगा वहाँ पे, बच्चों को लेके आना पड़ेगा, बच्चों को लेके आना पड़ेगा। इतना ही पूरे, इतना ही।